ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने श्री दरबार साहब तो संगत के नाम संदेश दिता। सरकार ने साढ़े ते बहुत जुलम किया है तो सानू अपने आप को मजबूत करना होएगा, यह संदेश दरदार होरां दे वल्लों दिता गया। यह सरकार जालम ने, असी 1984 नहीं भुल सकते तो ना ही भुलनी चाहिए है। जो कुछ होना हुण करना है असी करांगे। इस गल का जिक्र भी उन्होंने किया तो नाल ही कहा कि साड़ी शक्ति घट नहीं बस विखरी हुई है। सिखां नूं शक्ति इकट्ठी करन दी लोड़ है, लोड़ है कि असी सिख शक्ति नूं मजबूत करिए। सारे सिख मिलके श्री अकाल तख्त साहिब की अगवाई दे विच इकट्ठे होइए ताकि असी सरकार दे सामने लड़ सकीए। तो जदों असी इकट्ठे होवांगे तो सरकार साढ़े अगे चुकेगी। इस गल का जिक्र भी जथेदार होरां दे वल्लों कीता गया। नाल ही उन्हें कहा कि सारे सिख श्री अकाल तख्त साहिब दे झंडे हेठां इकट्ठे होण। बरतांत सरकारां जो है सरकार के खिलाफ, साढ़े सरकारां बरतांत साढ़े खिलाफ सरज रहीयां ने। नशे च डुब्बे नौजवानों नूं वापस लैके आईए। जो कुछ करना है सानू हुण करना पवेगा। दस दिए कि संगत दे नाल संदेश जारी करते हुए जथेदार नज़र आए ने। जथेदार होरां दे वल्लों इन्हां शब्दों का जिक्र जो है वह किया गया है। यही नहीं, जथेदार ने भी जिक्र किया है कि सानू हुण इकट्ठे होने की लोड़। सूरज पछम तो चढ़ सकता है, समुंदर सुक सकते है, धरती हिल सकती है, पर जे भारत सरकार चाहती है ना कि सिख 84 भुल जाण तो ये 84 भुली नहीं जानी है। कि जख्म बड़े गहरे, जख्म बड़े डूंगे, ना ही असी उम्मीद करते। जालम सरकारां तो कदी उम्मीद रखनी भी जिहड़ी है ना वो बहुत ही सियाणप नहीं होंदी। ये नहीं है कि साडी शक्ति घट है, साध संगत जी साड़ी शक्ति घट नहीं है, पर साड़ी शक्ति बिखरी हुई जरूर है। तो जे असी जालमां नाल टक्कर लेनी है तो सानू बिखरी हुई शक्ति नूं कट्ठियां करना पाएगा। अज लोड़ है कि असी सिख शक्ति नूं कट्ठा करिए। ये जिहड़े छोटे छोटे मतभेद हुंदे आ ना, ये कौमां नूं जिंदा रखदे आ, इन्हां दी परवाह ना करिए। मैं अज हाँ कल नूं नहीं होवांगा, पर श्री अकाल तख्त साहिब की सरप्रस्ती च इकट्ठे जरूर होइए। साडियां संस्थावां साडी शक्ति का स्रोत है, अपनियां संस्थावां नूं मजबूत करन दा जतन करिए। केवल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नहीं, साडियां सारियां संस्थावां और साडे वेंदियां वेंदियां साडियां कुछ संस्थावां जिहड़ियां ने सरकारी हत्थां च चलिया गई, ते सरकारी हत्थां च चलिया गई वह मजलूमां नूं लंगर खवाउण तों वी जिहड़ा वह जवाब दे रही है। की करांगे असीं? जिन्हें भी प्रचारक ने, चाहे दमदमी टकसाल नाल संबंधित है, चाहे मशीनरी कालजां नाल संबंधित है, मैं सब नूं इहो अपील करदा हां कि काफिला बन के तुरीए पंजाब के पिंडां दे विच, क्योंकि साडी शक्ति का जिहड़ा मुख स्रोत है वह पिंडां दे विच है। असीं पिंडां चों ताकत इकट्ठी करिए, काफले बन के तुरीए, साडी उस शक्ति नूं नशियां दे नाल नेस्तो नाबूद किया जा रहा है।